तो क्या हालचाल भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग शानदार होंगे, मजे में होंगे और मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो चलो यार, हम लोग लेकर आ चुके हैं भैया एक और नया स्टंट रेस। और आज का स्टंट रेस मतलब, हाँ आज का स्टंट रेस थोड़ा सा स्टंट रेस जैसा लग रहा है भाई, वरना पिछला तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। लेकिन आज का स्टंट रेस भाई काफी ज्यादा अजीब भी है। और अजीब क्यों है ना, ये तुम्हें बहुत जल्द पता लगने वाला है। तो चलो भाई नोबिता भाई, आज तुम्हारी बारी है रेस को शुरू करने की। क्या बात है, नोबिता भाई ने क्या कार चूज की है! ओह क्या पावरफुल कार लग रही है भाई, पीछे देख रहे हो इंजन कितना ताकतवर लगा हुआ है। सही कहा आपने समझ भाई, इस व्हीकल का इंजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और स्टेबिलिटी भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं भी इसी कार से रेस को खेलूंगा और जीत जाऊंगा। और लेकिन यहाँ पर नोबिता भाई बचते हुए, भाई साहब बिल्कुल साइड पे पहुंच चुके थे, आराम से बच गए सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए, लेकिन कुछ ज्यादा ही स्पीड में है। ये स्पीड खतरनाक साबित हो सकती है यहाँ पर। बिल्कुल है जिस पे बहुत सही यहाँ पर है मेरे ख्याल से जंप, देखते हैं कि जंप कैसे लगा पाते हैं। जी हाँ, ओ नहीं, मैंने कहा था कि इतना स्पीड भी सही नहीं है, क्योंकि आखिरकार दोस्तों ये एक स्टंट रेस है, स्टंट जिसमें कि स्टेडी तरीके से चलना होता है। लेकिन नोबिता भाई इस चीज को नहीं समझ पाए और कार देखो भाई, ये कार नहीं अब कबाड़ बन चुकी है। तो चलो नोबिता भाई, इस कार को यहीं छोड़ो, पहुंचो तुम रेस ट्रैक पे, तुम्हारी पहली लाइफलाइन तो खत्म हो गई। तो चलो जी, ये देखो भाई, कलुआ का फैशन देखो, पता भाई इनर्स के ऊपर भाई इसने टाई पहना हुआ है, कमाल का फैशन है भाई। ऐसा फैशन तो भाई अपना कलुआ ही कर सकता है। खैर हम इसके फैशन से क्या करना, हमें तो बस देखना है कलुआ भाई का रेस का परफॉर्मेंस क्या बात है। जैसा कि कलुआ भाई ने पिछली बार कहा था नोबिता भाई के स्टंट के टाइम पे, वैसा ही इन्होंने वही वाली व्हीकल चूज की है। लेकिन कहीं ये भी वही गलतियां ना करें जो कि नोबिता भाई ने की थी। बहुत सही भाई, बच गए, लेकिन ऑब्स्टिकल की वजह से नीचे भी जा सकते थे, तो थोड़ा सा स्टेबल होके चलना पड़ेगा। यहाँ पर स्पीड नहीं, यहाँ पर स्ट्रैटेजी और कंट्रोल ही चलेगा। बहुत अच्छे धीरे धीरे जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा शानदार बात है। यहाँ पर है टर्न, आगे आ गया है भाई साहब वही जंप जहाँ पे नोबिता भाई गिर गए थे। यहाँ पर ये भी नहीं रुके हैं, ये भी नहीं रुके हैं, लेकिन लगता है जंप सीधी लगा देंगे। बहुत ही ज्यादा शानदार और स्मूथ जंप, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस। अब आगे है एक टनल, टनल में है भाई सब ढेर सारे फुटबॉल्स, शायद इनसे व्यू ब्लॉक ना हो जाए। बहुत अच्छे, उनको अपने आगे नहीं आने दिया। एक और बहुत अच्छी जंप, जी हाँ मैं यही कह रहा था भाई कि आज का स्टंट रेस थोड़ा सा अजीब है। क्या बात है भाई, ये किस्मत से हुआ या फिर इनकी स्ट्रैटेजिक वो थी, लेकिन बहुत ही शानदार। ओ हो, कार की तो भाई सब हालत ही खराब कर दी। फिर से एक और जंप, पर आगे एक और चढ़ना है, बूस्टर का किया है इस्तेमाल, बहुत अच्छे, काफी ज्यादा आगे आ चुका है कलुआ भैया अपना। फिर से है, बहुत अच्छे चढ़ते जा रहे हैं, बहुत सही, शायद से ये जीत जाएं, लेकिन जैसे इनके कार के हालात हैं वैसे तो नहीं लगता। लेकिन अबे ये क्या कर दिया, ओ भाई साहब ये क्या कर दिया भाई, आदत से मजबूर। कलुआ भाई को लगा कि फिर से एक और चढ़ना है, लेकिन वहां पे चढ़ना नहीं था, वहां पे स्ट्रेट रैंप था जिसपे कि जंप करके इसे पहुंचना था। लेकिन खैर जो भी हो कलुआ भाई, तुम भी भाई अपनी पहली लाइफ लाइन तो गंवा चुके हो यार, कम से कम थोड़ा आगे तो देखते कि क्या सीन चल रहा है। अरे मुझे लगा एक और जंप होगा, एक और प्लेट होगी आगे, मुझे क्या पता था कि था ही नहीं, मैं आउट हो गया, गुस्सा चढ़ रहा है मेरे को। कलुआ भाई तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ कि नहीं यार? अरे कुछ शांत नहीं हो रहा शौन भाई, पता नहीं मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, गुस्सा चढ़ रहा है, गुस्सा चढ़ रहा है। ओ टेंगो सामने आ, मुझे तुझे लात मारनी है। दिखा यही से धक्का दिखे माधु को कर रहा है, लेकिन मेरा गुस्सा कम ही नहीं हो रहा, इतना अच्छा खेल रहा था, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया। अभी वो चुपकर बहुत ड्रामे कर ली तूने, अब मेरी बारी है, चुपचाप देख। हाँ जा जा, तू कौन सा रेस को जीत जाएगा, जल्दी से आउट हो गया, रेस को तो मुझे ही जीतना है।
चलो जी, ये मेरी बारी आ गई फिर से। मैंने अपनी वही लकी वाली टी शर्ट पहन ली है, देखना अब इस टी शर्ट से मैं रेस को जरूर जीतूंगा। और मुझे पता है ये कार बहुत ही ज्यादा अच्छी है, भले ही तुम दोनों को नहीं चलानी आई तो क्या हो गया, मैं इस कार से रेस को जरूर जीतूंगा। तुम देखते रहना, अपनी नजरें मत हटाना मेरे परफॉर्मेंस से। अब देखो तुम लोग मैं कैसे रेस को जीत के दिखाता हूँ। लेकिन क्या बात है, रेस को शायद से जीत सकते हैं, लेकिन भाई साहब सीधा आकर टकराए रैंप से, स्पीड कुछ ज्यादा ही गेन कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नोबिता भाई भी यही गलती कर चुके थे, बहुत सही, लेकिन कंट्रोल भी कर रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ पर जंप है, ये क्या कर पाते हैं, जंप में बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल सीधा, ओह नो, सीधी तीर की तरह आकर टकराए बोर्ड से। लेकिन खैर जो भी हो, रैप में अभी भी बने हुए हैं, पहली गलती हो चुकी है, बच गए हैं, तो इन्हें अब स्पीड थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। बहुत अच्छे, फिर से पहुंच गए हैं भाई प्लेटों के ऊपर, पहली जंप, और पहली जंप में ही कार की हालत खराब कर दी है इन्होंने, आराम से, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अब एक और जंप, जी हाँ, ये भी बहुत स्मूथ लैंडिंग चला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल के, क्योंकि अगर ज्यादा स्लो चलाएंगे तो शायद हो सकता है कि नीचे गिर जाएं। लेकिन कार, भाई साहब लो, कार का एक पल्ला तो गया, यानी कि एक गेट तो गए हो, वो ये वही पॉइंट है जहां पर अपना करुआ भाई हारा था। लेकिन बहुत अच्छे, इन्होंने वो गलती नहीं की, लगा था कि नीचे गिर जाएंगे, लेकिन नहीं, कंट्रोल कर लिया है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अटेंशन चाहिए, बहुत अच्छे। लेकिन कार काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी है, नीचे है, होने वाला है एक जंप, ओ भाई साहब, ये बहुत बड़ा जंप होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बड़ा जंप होने वाला है ये, सच में देखो भाई कितना बड़ा जंप होने वाला है। मतलब यहां से जंप लेके ना, वो जो तुम देख रहे हो हल्का सा भाई रोड मैप जैसा, और अंदर जो मतलब प्लेट लगी हुई है वहां पर जंप मारना है। अब देखना ये होगा कि ये जंप सीधी मार पाते हैं कि नहीं, लेकिन कार को फिलहाल पीछे कर लिया है। हम यही चाहेंगे कि शिंचन भाई यहां तक वहां तक अच्छे से पहुंचे, तो चलो देखते हैं भाई क्या होता है। स्पीड किया है कुछ ज्यादा ही गेन, लेकिन कार की खस्ता हालत देख के मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्पीड से बात बनेगी। जी हाँ, बूस्टर का भी इस्तेमाल कर लिया है, कार को थोड़ी सी टेढ़ी किया है, क्योंकि जंप पॉइंट भी थोड़ा सा दूर और टेढ़ा है। क्या बात है, इतनी बड़ी जंप, लेकिन जंप सही साबित नहीं हो रही। फिर से बूस्टर, फिर से बूस्टर, और बहुत अच्छे, भाई साहब इन्होंने जंप मारा है या बूस्टर्स की वजह से यहां पहुंचे हैं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो भी हो। लेकिन अब यहां से भाई साहब करना होगा इस मॉन्स्टर ट्रक के साथ अपने रेस को कंटिन्यू। लेकिन शिंचन भाई, मुझे तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है इस मॉन्स्टर ट्रक के टायर्स को देखकर। भाई साहब इतने हैवी टायर्स के साथ आखिर ये स्टंट रेस कैसे कंप्लीट होगा, ये तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। लेकिन बहुत अच्छे, यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए। लेकिन आगे भाई कैसे चलेंगे, आगे तो बिल्कुल पतला सा मतलब बॉटल्स हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। स्टेडी और संभल कर बहुत चल पड़ा है शिंचन भाई, बहुत अच्छे, हौले हौले, लेकिन जी हाँ, बच गया भाई, बच गया। कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर, उस बूस्टर हल्का सा लगाया है, बहुत मुश्किल हो रही है। जी हाँ, बहुत अच्छे चले, बहुत अच्छे, हौले हौले, फिर से अगले पड़ाव पे, अगले बॉटल पर, बहुत सही। इस ऑब्स्टिकल को गिराना जरूरी है, वरना इस ऑब्स्टिकल की वजह से टायर्स भाई इसके इतने बड़े बड़े हैं ना। बहुत सही, बहुत सही, क्या बताएं, यहां पर बहुत ही शानदार कंट्रोल का प्रदर्शन करते हुए। लेकिन मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि भाई किसने इस रैंप में ये वाले भाई व्हीकल डाल दिया, यहां पर तो बाइक चलनी चाहिए थी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वो, लेकिन यहां पर बूस्टर लगाया है, बहुत ज्यादा सही फैसला, बहुत ज्यादा सही फैसला था शिंचर भाई का। लेकिन अब बस कंट्रोल कर ले, जी हाँ, कंट्रोल कर लिया है, क्या बात है शिंचर भाई। लेकिन अब इसको ऊपर चढ़ाना भी मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, शिंचर भाई के लिए नहीं भैया, जिस बंदे ने इस मॉन्स्टर ट्रक के साथ उन पतले पतले रैप्स को पार कर लिया, उसके लिए तो कुछ भी अब मुश्किल नहीं है। वो चलो रुक गए,
जी हाँ, आगे है अब चढ़ाई, फिर से चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सिंचन भाई के लिए। बहुत अच्छे, बहुत कम गैप है तो संभल के चलना होगा भाई साहब। इस मॉन्स्टर ट्रक के साथ रेस खेलना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है सिंचन भाई के लिए, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते भाई साहब। इस ट्रक के साथ स्टंट रेस खेलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि भाई हम इंडियंस के लिए चॉपस्टिक से रोटी खाना। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पर, लेकिन ऑब्स्टिकल्स भी ढेर सारे आ गए। फुटबॉल्स को पहले जाने दो भाई, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ही ज्यादा कम है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो सीधा नीचे। बहुत अच्छे वो हो, अब आगे है, यहां से जंप लेके जाना है। नहीं, आगे है भाई साहब, हेलीकॉप्टर से करना है रेस को खत्म, लेकिन यहां पर रुकना होगा इन्हें। बहुत अच्छे शिंचन भाई यहां पर पक्के खुश होंगे कि भाई कम से कम इन्हें इस मॉन्स्टर ट्रक से तो पीछा छूटा। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा अपने शांत भाई, मैं बहुत खुश हूँ। इस मनहूस मॉन्स्टर ट्रक के साथ मेरा पीछा छूटा बड़ा ही अजीब था, दोबारा कभी नहीं खेलना चाहूंगा मैं इस मॉन्स्टर ट्रक के साथ रेस को। लेकिन यहाँ पर संभल के चलें तो ज्यादा सही, बहुत अच्छे पार कर लिया है। देखिए अगर पार नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विनर तो ये तब भी कहलाएंगे बस, लेकिन तब फिर इनके प्राइस मनी पे असर होगा। बहुत अच्छे बूस्टर के इस्तेमाल से ऊपर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन वो टक्कर होते होते बची है। लगता है सिंचन भाई को सिर्फ ऊपर रेस ट्रैक को खत्म करने में मन है, ना कि इस चेक पॉइंट्स को पार करने में, लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। ओ भाई साहब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, स्टेबल कर लिया है, क्या बात है। ये स्ट्रैटेजी है इनकी या फिर कुछ और, कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल एंड पॉइंट आने से पहले ही खुद को स्टेबल कर लिया बिल्कुल। अब लैंडिंग, और बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार लैंडिंग भाई साहब, क्या बात है भाई। यस सिंचन भाई आखिरकार रेस जीत ही गए, क्या बात है सिंचन भाई। यस यस, उत्साह देखो होनी भी चाहिए भाई, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट रेस को जीत कर जो आए हैं। हालांकि इन्होंने चेक पॉइंट्स को पार नहीं किया है, तो हो सकता है कि कुछ इनके प्राइस कम हो जाए, कुछ कटेंगे, लेकिन जो भी हो आज का विनर तो हमारा भाई सिंचन भाई ही है। तो सिंचन भाई बस है, तुम 2 सेकंड वेट करो, हम तुम्हारा प्राइज मनी अभी लेकर आते हैं। ये देखो भाई सब आ चुका है हमारे सिंचन भाई का प्राइज मनी, और प्राइज मनी में सबसे पहले तो ये देखो भाई कितनी शानदार हाईटेक, वो ये गोल्डन चॉपर, प्राइवेट चॉपर, और इधर है भाई ढेर सारा पेटियां भर भर के डॉलर्स। ये भाई भाई साहब 7 पेटियां, नहीं 8 पेटियां भाई साहब डॉलर भर भर कर। और पीछे है भाई साहब ढेर सारी सुपर कार्स बाकी, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, और ट्रे भर भर के सामने तो आप देख ही रहे हो भाई गोल्ड ट्रेज। और इधर हमारे 2 लूजर प्लेयर्स नोबिता और कलुआ भाई। अरे लूजर क्या, पिछली बार तो मैं ही जीता था ना। हाँ ठीक है जी, पिछली बार आप जीते होंगे, लेकिन आज के विनर तो हैं हमारे शिनचैन भाई। रे सही कहा, आज का विनर तो मैं हूँ, कितना डिफिकल्ट स्टंट रेस था आज का, देखा करूँ मैंने जीत गया ना। ओ नोबिता, तू नहीं कुछ बोलेगा? कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा खेला शिनचैन तू। हाँ, थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है, मैं तो चला भाई सारा मैंने प्राइज मनी को कलेक्ट करने, और पार्टी दूंगा शाम को तेरे घर पे कलुए, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो चलो भाई मैं तो चला, जल्दी से पार्टी की तैयारी अभी करनी है, जल्दी से मैं इन प्राइज मनी को कर लूं कलेक्ट। तो चलो भाई सिंचन भाई को करने दे अपने प्राइज मनी को कलेक्ट, हम भी चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।